दोस्तों, अगर आपके एंड्रॉयड फ़ोन की आवाज़ पहले से काफ़ी स्लो हो गई है, यानी कि आपके स्पीकर की आवाज़ जब आपने नया फ़ोन लिया था उस टाइम पे काफ़ी तेज़ थी, लेकिन धीरे धीरे वो काफ़ी स्लो हो गई है और आप उसको फिर से बूस्ट करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को इसी का प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन की यानी कि स्मार्टफोन की स्पीकर की आवाज़ को फिर से पहले की तरह बूस्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके एंड्रॉइड फोन की भी आवाज़ पहले से काफ़ी स्लो हो गई और आप उसको वापस फिर से पहले की तरह बूस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सबसे पहले उस लिंक पर क्लिक करके आपको उस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने उस एप्लीकेशन को ऑलरेडी अपने फोन में इंस्टॉल किया हुआ, तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको उसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आप इस एप्लीकेशन को फर्स्ट बार ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ वार्निंग वगैरह दी जाती है, तो इसको आपको ऐसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिल रहा होगा, टर्न ऑन इक्वलाइजर। तो ये एक पेड वर्जन है, ये पेड वर्जन का फीचर है, इसलिए इक्वलाइजर की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2500 रुपये पे करके इसे बाय करना होगा। तो इक्वलाइजर का हमारे पास कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे अपने स्पीकर की आवाज़ को बूस्ट करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, कि ऊपर की साइड आपको यहाँ पे एक वॉल्यूम टाइप का नजर आ रहा होगा, जिसपे कि लिखा हुआ बूस्ट, तभी ये 0% पे। तो आपको इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह से अपने स्पीकर को बूस्ट करना है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस तरह से आपको 100% यानी कि 60% तक इसको बूस्ट नहीं करना है, कि अगर आपका स्पीकर पहले से बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका होगा, अगर आप इसको फुल कर देते हैं एक ही बार में, तो आप जैसे ही प्ले करेंगे सॉन्ग वगैरह तो आपके फ़ोन का स्पीकर यहाँ पर ख़राब भी हो सकता है, फट भी सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ यहाँ पर आपको 22-23% रखना है। हद से ज़्यादा आपको इसको यहाँ से, ये जब तक ये नीली रंग की आपको ग्राफ नज़र आ रही है, आपको यहीं तक ही रखना है, और जैसे ही लाल ग्राफ आ जाए आपको इसको वापस ले लेना है, यानी कि इसको आप 30% तक बूस्ट करके देख सकते हैं। अब अगर आपके फ़ोन की स्पीकर की आवाज़ सही हो जाती है तो आप इसको 30 पे ही रोक दीजिए, और अगर आपका स्पीकर काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, 30% पे करने पर उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा के यहाँ पर 45 तक ले जा सकते हैं या 40 तक ले जा सकते हैं। इसके बाद आप चेक कर लीजिए, इतना करने पर अगर आपकी आवाज़ बिल्कुल सही हो जाती है तो आप इसको यहीं पर ही छोड़ दीजिए। तो आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बढ़ा के देख लेना है, एकदम से इसको पूरा बढ़ा नहीं देखना है। वैसे नॉर्मली आपकी आवाज यहाँ पे 30% तक में बिल्कुल सही हो जाएगी। इस एप्लीकेशन को आप एक बार यूज करके देखेंगे दोस्तों, उसके बाद आप सॉन्ग वगैरह प्ले करके देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके फोन की स्पीकर की आवाज जो काफी स्लो हो गई थी वो वापस पहले की तरह आपकी बूस्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।